अगर हर खुशकोतर का जिक्र चाहिए तो वो कुरान में आपको मिल जाएगा। कोई सी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी कि जो कुरान में ना हो। बस ये और बात है कि वैसा इल्म भी होना चाहिए, कुरान को समझने के लिए वैसा इल्म भी होना चाहिए। हर एक इंसान उस कुरान के इल्म को नहीं समझ सकता है, बल्कि कुरान के इल्म को वही समझेगा, कुरान के इल्म को वही समझेगा कि जिसे अल्लाह ने आलिम इल्म कुरान बनाया है, आलिम इल्म कुरान बनाया है। और यही वो कुरान है कि जो शाहिद खैरुल अनाम है, जो उम्मत का पयाम है, जो बेहतरीन खजीना है, जो मुसीबत के वक्त सकीना है, कि जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, कि जो उसका ऐलान है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें जिस तरीके से हमारे घरों में एक खामोश कुरान रखा हुआ है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो अल्लाह ने एक बोलता हुआ कुरान भी दिया है, अल्लाह ने एक बोलता हुआ कुरान भी दिया है कि जिसे आप देखिए तो आपको मिल जाएगा कि जिस तरीके से कुरान सामित में सारी चीज़ें हैं, उसी तरह कुरान नातिक में सारी चीज़ें हैं, बोलते हुए कुरान में सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखिएगा कुरान को खोल के, तो आप अगर पहला पारा देखिएगा, दूसरा पारा देखिएगा, तीसरा पारा देखिएगा, देखते चले जाइएगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसलिए कुरान ने सारी चीज़ों को नोट कर लिया है, सारी चीज़ें उसमें नोट हैं, सारी चीज़ें उसमें जमा हैं। बस ये है कि आपको देखना वैसे ही है कि जैसा देखने का हक है, वैसे पढ़ना है कि जैसे पढ़ने का हक है, तो आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप औराक पलटते जाइएगा तो आपको मिलता जाएगा, देखते जाइएगा मिलता जाएगा। तो कहीं नमाज का हुक्म है, कहीं रोज़े का हुक्म है, कहीं हज का हुक्म है, कहीं खुम्स का हुक्म है, कहीं ज़कात का हुक्म है, कहीं अम्र बिल मारूफ का हुक्म है, कहीं नहीं अनिल मुनकर का हुक्म है, कहीं किसी के रोने का जिक्र है, कहीं किसी के हंसने का जिक्र है, कहीं किसी का मैदान जंग में खड़ा हो के लड़ने का जिक्र है, और कहीं ना लड़ने का जिक्र है, कहीं न लड़ने का जिक्र है। यानी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और फिर और आप वरक गर्दानी कीजिए, और आप वरक को पलटिए, तो कहीं आदम का इल्म मिलेगा, कहीं नूह का तक्वा मिलेगा, कहीं मूसा की हैबत मिलेगी, कहीं ईसा का जुहद मिलेगा, कहीं अय्यूब का सब्र मिलेगा, कहीं मुस्तफ़ा का जमाल मिलेगा, कहीं यूसुफ का कमाल मिलेगा। बस ये है कि आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, तो वो कुरान जो हमारे और आपके घरों में है, वो सारी चीज़ें उसमें सिमटी हुई हैं। और आप पलटते जाइएगा, आदम का इल्म मिल जाएगा, नूह का तक्वा मिलेगा, मूसा की हैबत मिलेगी, ईसा का जुहद मिलेगा, अय्यूब का सब्र मिलेगा, यूसुफ का जमाल मिलेगा, मुस्तफ़ा का कमाल मिलेगा। तो जो ये वो कुरान है, अगर हम इसकी वरक गर्दानी करें तो सारी चीज़ें मिलेंगी। उसी तरीके से अगर बोलते हुए कुरान के बारे में देखना हो कि उसमें ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, तो आप किसी और से ना पूछो, किसी और से ना पूछो। इसलिए कि कभी कभी एड्रेस लोग गलत बता देते हैं, हर एक से एड्रेस नहीं पूछा जाता है, कभी कभी एड्रेस लोग गलत बता देते हैं। अब अगर एड्रेस पूछना हो
कि वो कौन है कि जिसकी अगर औराक गर्दानी किया जाए, उसके लाइफ को देखा जाए, उसके ज़िंदगी को देखा जाए, तो जो कुरान सामित में है वो कुरान नातिक में मिल जाएगा। तो अब कहाँ चला जाए, चलिए मदीने चलते हैं। मदीने में जाके क्या करेंगे? अरे वहाँ नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है नहीं ये? बहुत से लोग गए होंगे, जो गए हैं ठीक है, नहीं गए खुदा उनको लेके जाए। और मैं तो जा चुका हूं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि हम और आप ये देखते हैं, अगर किसी ऐसे मुकाम को देखते हैं जो रिस्पेक्टेड हो, जो काबिल तज़ीम हो, तो हाथों को बढ़ा के बोसा ले लेते हैं, हाथों को बढ़ा के बोसा लेते हैं। लेकिन वहां की सितम ज़रीफ़ी यह है कि अगर बोसा लिया जाए तो मुश्किल हो जाता है काम। ये मैंने अपने आंखों से देखा है और उसको वो भी किया है कि हाँ ऐसा होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन उस नबी से सवाल किया जाए, नबीउल्लाह ये बताइए कि जिस तरीके से कुरान सामित में अल्लाह ने सारी चीज़ें जमा किया है, आया वो कुरान नातिक में है कि नहीं है? तो अजब नहीं नबी जवाब दें कि जिस तरीके से कुरान के औराक को तुमने पलटा, तो कहीं आदम का इल्म मिला, कहीं नूह का तक्वा मिला, कहीं मूसा की हैबत मिली, कहीं ईसा का जुहद मिला, कहीं अय्यूब का सब्र मिला, कहीं यूसुफ का जमाल मिला, कहीं मुस्तफ़ा का कमाल मिला। उसी तरीके से बोलते हुए कुरान अली इब्ने अबी तालिफ के लाइफ को देखो, तो तुम्हें आदम का इल्म भी मिल जाएगा, नूह का तक्वा भी मिल जाएगा, मूसा की हैबत भी मिल जाएगी, ईसा का जुहद भी मिल जाएगा, अय्यूब का सब्र मिल जाएगा, यूसुफ का जमाल भी मिल जाएगा, मुस्तफा का कमाल भी मिल जाएगा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे बस ये है कि देखना है, और फिर वही कुरान है कि जिसके लिए हमारे और आपके मौला अमीर अल मोमिन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया। देखिए ये मैसेज है, दूर दराज से लोग आते हैं, और ये होता है कि साहब मजलिस गए थे और सुना, कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके नहीं आए। तो आप सुनिए यहां, और सुनने के बाद महसूस होइए फजाइल में, ये वाजे कीजिए कि मैं सुन रहा हूँ। मसाइब में गिरिया करके शहजादी को फुर्सा दीजिए। और ले जाने के लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि जिस मौला के हम चाहने वाले हैं, उस मौला ने इरशाद फरमाया तअल्लमुल कुरआना फइन्नहु अहसनुल हदीस, कि देखो मेरे चाहने वालों, मेरी मोहब्बत कदम भरते हो तो, जब मेरी मोहब्बत कदम भरते हो, मेरे चाहने वाले हो, तो कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान सीखो, कुरान पढ़ो। क्यों? इसलिए कि ये बेहतरीन कलाम है, बेहतरीन कलाम है। कोई ऐसा कलाम नहीं है कि जो इस कलाम की बराबरी कर सके, कोई ऐसा कलाम नहीं है जो कुरान जैसे अजीम कलाम की बराबरी कर सके। लिहाजा जितना भी हो सके इंसान को ये चाहिए कि कुरान पढ़े, कुरान पढ़े। ये ना हो कि साहब रमज़ान आया तो कुरान खुल गया, रमजान गया तो कुरान अलमारी में चला गया, नहीं ये नहीं। अगर रमजान आया, कुरान अगर खोल दिया है, तो ये हमेशा पढ़ते रहें, हमेशा पढ़ते रहें। कितना पढ़ें? क्या रोज कुरान पढ़े पूरा? नहीं, अगर पूरा कुरान नहीं हो सकता है तो कम से कम एक पारा पढ़ लिया करें, एक पारा नहीं हो सकता है तो कम से कम एक दो सूरा पढ़ लिया करें। अगर वो भी नहीं हुआ तो कम से कम कुरान खोलें, और खोलने के बाद चाहिए कि चंद आयतें पढ़ लें, चंद आयतें पढ़ लें। और ये भी नहीं हो सकता है तो कम से कम कुरान खोल के देख लिया जाए। इसलिए कुरान वो किताब है कि जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका रखना भी सवाब है। ये सारी चीज़ें सवाब में शामिल होती हैं। आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कुरान देख तो सकते हैं, वो देखना भी सवाब है। लेकिन एक बात यह है कि कुरान कुरान कहना सवाब नहीं है। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, कुरान 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 कहना सवाब नहीं है, कुरान देखना सवाब है, कुरान पढ़ना सवाब है, कुरान लिखना सवाब है, लेकिन कुरान कहना कहना सवाब नहीं है। आप दिन से सुबह से लेकर शाम तक कुरान कुरान कहते रहिए तो आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। कुरान 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 कहने से सवाब नहीं, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, देखेंगे तो सवाब मिलेगा, लिखेंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन क्या कहना बोलते हुए कुरान का, अगर लिखा या अली तो भी सवाब,
पढ़ा या अली तो भी सवाब, कहा या अली तो भी सवाब। यानी अगर कुरान कुरान कहा तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन या अली या अली या अली कहा तो सवाब मिलता रहेगा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आपने कुरान कुरान कहा, कुरान कुरान पढ़ा और ये कहते रहे कुरान 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 कुरान, तो ये सवाब नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये इबादत नहीं है, ये है कुरान सामित। लेकिन जब कुरान नातिक का मसला आया तो नबी ने फरमाया कुरान नातिक बोलता हुआ ऐसा कुरान है कि जिक्र, जिसका जिक्र करना भी इबादत है। और कहा जिक्र अलीन इबादा, अली का जिक्र इबादत है। यानी कुरान सामित को अगर कहते रहिए कुरान 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 तो इबादत नहीं है, लेकिन नबी ने फरमाया कि तुम कहीं भी हो किसी आलम में हो, कहीं भी हो किसी आलम में भी हो, किसी भी महफिल में हो, अगर अली अली करते रहोगे तो वो वक्त इबादत में शुमार होता रहेगा। सलावत भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐ अली जिक्र तेरा कब है कहानी की तरह, हल किया उगदे ला यन हल को भी पानी की तरह, और देख कर शम्स इशारे से तेरे मगरिब के, अमा फिर पलट आया जुलेखा की जवानी की तरह। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है वो जिक्र अली, ये है वो जिक्र अली। आपने देखा होगा कि लोग ऊंग रहे अगर हों, या इधर उधर बैठे हों, या सो रहे हों, लेकिन जैसे ही नारे हैदरी लग जाता है थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाती है, समझ रहे हैं? तो अगर आप या अली के नाम पे जागना चाहें और उठना चाहें, तो अगर उसी तरीके से या अली अली कहेंगे तो जैसे जुलेखा की जवानी पलट आएगी, आपकी भी जवानी पलट सकती है। सलावत भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हमारे तो ये कुरान है साहब के, जिसके लिए हुक्म दिया गया है कि आप पढ़िए। क्यों? बेहतरीन कलाम है कुरान। पूरा कुरान नहीं हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा इंसान पढ़े, थोड़ा नहीं हो सकता एक पारा पढ़े, एक पारा नहीं हो सकता है तो कम से कम चंद सतरे पढ़ लिया करे, चंद आयतें कुरान की पढ़ लिया करे। इसलिए ये बेहतरीन कलाम है। और एक बात और याद रखने की है कि कुरान अगर पढ़े तो कुरान हर एक को फायदा नहीं देता है, कुरान हर एक को फायदा नहीं देता है। बहुत से लोग कुरान पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, जबकि देखा यह गया है कि अगर कुरान पढ़िए, और हदीस में भी है कि अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हैं? आप कुरान पढ़ेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी ज्यादा हो जाएगी। ये खुमैनी साहब का फोटो लगा हुआ है, इनके बारे में मिलता है कि जब इनके आंख का मसला आया तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी दिन आप बंद कर दिए पढ़ना लिखना, कुरान ना पढ़िए। तो उन्होंने कहा इसीलिए तो मैं इलाज कर रहा हूँ ताकि कुरान पढ़ा जा सके। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुरान पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कुरान पढ़ना छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि कुरान का काम है कि रोशनी देना, रोशनी देना आँखों की। अब आप देखिए कितने कुरान कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि जिनके यहाँ उल्टा असर दिखाई गया है, और हमारे जिनके यहाँ आपको उल्टा असर दिखाई दिया। ये क्या साहब, कुरान तो कह रहा है पढ़ो, नबी ने कहा पढ़ोगे तो आंखों की रोशनी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है, उसका उल्टा असर देखा जा रहा है, यानी रिएक्शन हो रहा है। ये क्या है साहब? ये यही है कि कुरान तो पढ़ा लेकिन साहिब कुरान को छोड़ दिया। अगर साहिब कुरान को लेके कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान वैसे ही फायदा देगा कि जैसे फायद बताए गए हैं। सलवात भेजिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद, वैसे ही फायदा देगा जैसे बताया गया है, वरना कुरान फायदा देने वाला नहीं है। चुनांचे रवायत में मिलता है कि मौलाए कायनात अमीर अल मोमिन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम
नमाज सुबह के लिए जा रहे थे और उनके साथ में उनके साहबी जनाब कंबर थे। दोनों लोग जा रहे थे मस्जिद में नमाज के लिए। कौन सी नमाज? नमाज शब के लिए। नमाज शब के लिए जा रहे थे, मस्जिद में जा रहे थे। कौन जा रहा था? मौला अली अलैहिस्सलाम जा रहे थे। अगर हम मौला के चाहने वाले हैं, अगर हम मौला के चाहने वाले हैं, अगर नमाज शब मस्जिद में नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुबह तो पढ़ सकते हैं। सुबह नहीं, कम से कम जोहर तो पढ़ सकते हैं। जोहर नहीं तो कम से कम इशा तो पढ़ सकते हैं। किसी ना किसी वक्त हम अपने आप को अपने मस्जिद में पहुंचा तो सकते हैं। क्यों? इसलिए हमारे मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलातो सलाम नमाज शब लीजिए साहब, मौला जा रहे थे, कंबर भी साथ में थे। तो कंबर ने सुना कि एक कारी है, हाफिज है, वो कुरान पढ़ रहा है। कुरान की तिलावत बहुत अच्छी, लहन बहुत अच्छा, प्रोनाउंसिएशन बहुत करेक्ट, बहुत अच्छी तरह। एक मर्तबा कंबर ने कहा, मौला ये तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ रहा है, अगर थोड़ा परमिशन मिल जाए तो मैं थोड़ा सुन लूं। मौला ने फरमाया कि ये कुरान इसे फ़ायदा नहीं देगा। अरे ये कौन बोल रहा है भाई? ये नातिके कुरान बोल रहा है। वो सामिते कुरान पढ़ तो रहा है लेकिन नातिके कुरान कह रहा है इसे कोई फ़ायदा नहीं देगा। खंबर परेशान हो गए, इसलिए कि वो इतनी अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ रहा है और ये कह रहे कोई फ़ायदा नहीं देगा। कंबर कहते हम और गए मौला, और जाने के बाद नमाज अदा किया। नमाज जब तमाम हो गई तो मैंने कहा कि मौला आप चलिए, मैं भी होके आता हूँ। अब ये गए, वो बुलंदी पे अपने छत पे वो पढ़ रहा था। जब वहाँ पहुँचे कंबर तो उनका, भाई आपकी प्रोनाउंसिएशन तो बहुत अच्छा है, कुरान आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लहन है, कहाँ से सीखा? कह रहे ये तो हमारी जाती मेहनत है, जाती मेहनत है। कहा अच्छा ये बताओ साहिब कुरान से तुम्हारे कंटेक्ट कैसे हैं? नातिके कुरान से कैसे हैं? अली से कैसे? कहा अली से? कहाँ? कहा जैसे हम हैं वैसे अली हैं, हमारे और में डिफरेंस क्या है? अब कंबर कहते हैं कि फौरन मौला की बात मुझे याद आ गई कि मौला ने सही फरमाया था कि कुरान कोई फायदा नहीं देगा। कंबर कहते हैं जैसे ही उसने ये कहा कि हमारा और अली से क्या वो है, ये सब हमारी जाती मिल्कियत है, वो किसी को कुछ न दे सकते हैं न किसी का कुछ कर सकते हैं, जैसे हम हैं वैसे अली है। क्या फिर वो वापस आ गया और जैसे ही देखिए जिस आयत की मैंने तिलावत किया है और ये शरफ हासिल किया कि आप जैसे बा फहम सामईन किराम के सामने तिलावत का शरफ हासिल किया है, उस आयत में है वमन इन दो इल्मुल किताब, यानी जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब ये कंबर आए, जैसे ही मौला की खिदमत में पहुंचे कंबर से मौला ने फरमाया पता चल गया, मैंने जो कहा था वो सही है। कहा मौला, अरे बात तो कंबर से उससे वहां हुई है, मौला यहां बता रहे हैं, बता रहे हैं वमन इंदहु इल्मुल किताब का मिज़दाक अगर कोई है तो अली इब्ने अबी तालिब है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ मौला गए तो थे लेकिन वो आपके बारे में तो सही नहीं है, वो आपके बारे में वो सही नहीं है, वो डाउट रखता है, शक रखता है आपके ऊपर, आपको नहीं मानता है। तो मौला ने फरमाया मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुमसे कहा था कि कुरान फ़ायदा नहीं देगा। कहा मौला आपने देखा है उसे? कहा मैंने, कहा इस आँखों से नहीं देखा है। फिर किन आँखों से देखा है? जिन आँखों से अल्लाह को देखा है उसी तरह उसे भी देखा है। कोई ये ना कहे कि साहब अल्लाह को देखा आँखों से, नहीं, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है अल्लाह। तो अब जनाब कंबर ने सवाल किया मौला फिर कैसे आपको इल्म हुआ? तो मौला ने फरमाया कि जब
अरवाहुल आलमीन को जमा किया गया था, और जमा करने के बाद परवरदिगार आलम ने अपनी वहदानियत का इकरार लिया था सबसे। तो जब सबसे वहदानियत का इकरार लिया तो इसने अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया था। उस वक्त मैंने इसकी आवाज़ सुनी थी, वो आज भी अली को याद है, आज भी अली को याद है। देखा आपने अली का हाफिजा कितना कवि है, कितना कवि है, कितना कवि है। लोग नबी के हाफिजे पे उंगली उठाते हैं, लोग नबी के हाफिजे पे उंगली उठाते हैं। अरे जिसका जानशीन ऐसा हो कि इतना हाफिजा कवि हो, तो जब जानशीन ऐसा है तो रसूल कैसा होगा। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो ज़हने रसूल कैसा होगा। और फरमा रहे हैं तो अब आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए का हमने सुना था, वो भी आज भी अली को याद है। और फिर अल्लाह ने रसूल की रसालत के बारे में सवाल किया था तो इसने इकरार किया था, वो आज भी मुझे याद है, वो आज भी मुझे याद है। लेकिन जब अल्लाह ने इससे मेरी विलायत का सवाल किया था तो ये खामोश था, ये बोल नहीं रहा था, ये खामोश था। मालूम ये हुआ कि जब अली की विलायत का ऐलान किया जाए तो खामोशी से नहीं सुनना चाहिए, बोलते हुए सुनना चाहिए। सलवात भेजिए वर हुदा। ये खामोश था, बस मैं समझ गया ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। बस कंबर याद कर लो, अगर कोई कितना भी कुरान पढ़े और हमें छोड़ के कुरान पढ़े तो उसे कुरान फायदा नहीं देगा। तो अब कुरान पढ़ने से पहले ये देख लेना चाहिए कि अहले बैत की मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ा जा रहा है या अहले बैत की मोहब्बत को छोड़ के कुरान पढ़ा जा रहा है। अगर अहले बैत के मोहब्बत के साथ कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान फ़ायदा देगा, लेकिन अहले बैत को छोड़ के अगर कुरान पढ़ा जाएगा तो कुरान फ़ायदा नहीं देगा बल्कि नुकसान देगा। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفْرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ। जब लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, अल्लाह का रसूल ये कह रहा था कि मैं रसूल हूं, और ये कुफार ने कहा आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं। फिर बात यह हुई कि अगर गवाही का मसला आएगा तो अल्लाह ने कहा कि हमें तुम्हारी गवाही की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक गवाही के लिए वो है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, और एक वो जो रब है अल्लाह है। यानी रसूल के रिसालत के गवाही के लिए मक्का और मदीने वालों की जरूरत नहीं है, या अल्लाह की गवाही है या अली के वलीउल्लाह की गवाही काफी है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वमन इंदहु इल्मुल किताब, बस आज बस इतना। कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि कुरान अभी जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ है, कुरान अभी जवान है, बूढ़ा नहीं हुआ है। तो जैसे कुरान जवान है वैसे साहिब कुरान भी जवान है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आज के लिए इतना काफी है। तो आपकी खिदमत में अर्ज किया जाए, जाते जाते ये बात नोट कर लीजिए कि मौला ने फरमाया तअल्लमुल कुरान फइन्नहु अहसनुल हदीस। यानी कुरान की तलावत कीजिए, कुरान पढ़िए, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ने का हुक्म दीजिए, और इस तरीके से उनके ऊपर जोर दीजिए कुरान पढ़ने की, जिस तरीके से हम इंग्लिश मीडियम में बच्चे को भेजते हैं। अगर स्कूल नहीं जाता है बच्चा तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, किसी न किसी सूरत से उसे भेजते हैं। उससे ज़्यादा हमें एहतमाम करना चाहिए कि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले। इसलिए सारे उलूम का रिश्ता दुनिया में टूट जाएगा, कुरान का रिश्ता टूटने वाला नहीं है। यहाँ भी कुरान का रिश्ता है, वहाँ भी कुरान का रिश्ता है। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आज पहली मुहर्रम है, अय्याम-ए-अज़ा का पहला दिन है,
आप हजरत तशरीफ ले आए हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग कि उस जगह बैठे हुए हैं कि जहां ज़वात मुकद्दसात बैठती हैं, उस जगह बैठे हुए हैं जहां मलाइका बैठते हैं। बड़ी मेहनतों से ये आज़ादारी हम तक पहुंची है, बड़ी मुश्किलों से आज़ादारी पहुंची है। रिवायत में मिलता है कि एक ऐसा ज़माना आया कि जब पाबंदी लग गई, जब मजलिस अज़ान नहीं हो सकती है, बादशाह वक्त ने ऐलान कर दिया, और सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि घर घर जाके बादशाह ने अपने अपने आदमी खड़े कर दिए, सिपाही खड़े कर दिए कि देखो कहीं भी मजलिस ना होने पाए। ऐलान हुआ कि नहीं होगी, लेकिन एक हुसैन की चाहने वाली आगे बढ़ी। उसने कहा, बादशाह तुझे क्या हो गया है, तू कह रहा हुसैन की मजलिस नहीं हो सकती है, अय्याम अज़ा आ गए हैं, चांद नमोदार हो गया है, पहली मुहर्रम है, हम लोग बगैर मजलिस के नहीं रह सकते हैं। कहा नहीं, नहीं होगी। उस खातून ने कहा, जो कुछ लेना है ले ले, लेकिन मुझे इजाजत दे दे, मैं हुसैन के फर्श अज़ा बिछाऊं। और हमारे माल और दौलत, तो किसी ने कहा कि अगर मना करना चाहते हो तो माल और दौलत सब दे देंगे, ये औरत है, अगर ये चाह रही है कि जो कुछ कहो हम दे देंगे, लेकिन मजलिस करने की इजाज़त होना चाहिए, और ये हो ही नहीं सकता कि हम ना करें। तो किसी ने कहा कि माँ को सबसे ज़्यादा अजीज़ उसका बेटा होता है, लिहाजा इससे ये कहो कि अगर इतना ही ज़्यादा ये हुसैन की चाहने वाली है तो बेटा लेके आए, और जब मजलिस होगी, फर्श अज़ा बिछेगी, लोग उस पर आएंगे, तो उन सब के सामने तुम्हारे बेटे का सर कलम होगा, तब फर्श अज़ा बिछेगी। लोग ये सोच रहे थे कि माँ का दिल तड़प जाएगा और वो कहेगी कि नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता है, हम ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, हुसैन के चाहने वाले कैसे कैसे गुजरे हैं। उस खातून ने कहा, बादशाह तू ये सोच रहा है कि मैं बेटे की मोहब्बत में हुसैन का गम छोड़ दूं? नहीं, तू एक बेटे की बात करता है, अगर अल्लाह ने हजार बेटे दिए होते तो मैं हजार बेटे हुसैन की मजलिस के लिए कुर्बान कर देती। देखा आपने कितना जज्बा होता है हुसैन के चाहने वाले के, तड़पते हैं लोग अगर मजलिस ना कर सकें, मजलिस ना सुन सकें। उन लोगों से पूछो जो गरीब वतन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो परदेश में होते हैं, ज़रा उनसे पूछो, इस तरह पर तड़पते हैं कि जैसे मछली बग़ैर पानी के तड़पती है, और चाहता है इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत से मजलिस मिल जाए। बाज़ादारों, वो ये चाह रहा था बादशाह कि ना होने पाए। उसने कहा, नहीं, बेटे के लिए कहा है, चलो बेटे को बुलाया। कहा, बादशाह ये मेरा बेटा, इसे कत्ल करो। दीजिए साहब, फर्श अज़ा बिछ गई, उसका बेटा माँ देख रही थी, और माँ के नज़रों के सामने उसका बेटा ज़िबा कर दिया गया, लेकिन उसने फर्श अज़ा बिछाई और पूरे महल्ले में ऐलान किया कि देखो आओ आओ हुसैन के मजलिस में आओ। फर्श अज़ा बिछ गई है, लोग आते थे, मजलिस करते थे, मजलिस में बैठते थे। अब दूसरी मुहर्रम जब आई तो एक मरतबा फिर उसने कहा, मेरा एक और बेटा है। बादशाह ने कहा, बुलाया जाए। वो बेटा आया, उसको भी कत्ल किया गया, सर तन से जुदा हो गया। यहाँ तक कि रिवायत में है कि उस मोमिना हुसैन के चाहने वाली के पास 10 बेटे थे, उसने 10 बेटों को मजलिस के लिए कुर्बान कर दिया और मजलिस को कायम रखा, यहाँ तक हमारे तक मजलिस पहुँच गई है। तो देखिए कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद मजलिस यहाँ तक पहुँची है। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे हुसैन के चाहने वाले हैं। इधर हुसैन का नाम आया, आंखों से अश्क जारी हो गए। बस हाँ आज़ादारो, पहली मुहर्रम उस मुसाफिर की याद मना लें कि जो गरीबुल वतन था, जिसे मुस्लिम कहा जाता है। मैं तफसील नहीं अर्ज करना चाहता, वक्त की मुनासिबत से इतना समझ लीजिए कि मुस्लिम ने जब नमाज तमाम किया है और पीछे देखा तो कोई चाहने वाला नहीं था। अजीब मुश्किल का वक्त था। वो मुस्लिम जो परदेसी
वो मुस्लिम जो गरीबुल वतन, वो मुस्लिम जिसके चाहने वाले कूफे में बहुत थे, लेकिन वो वक्त आया, एक ऐसा वक्त आया कि मुस्लिम का कोई नासिर व मददगार ना रहा। बस मुस्लिम मस्जिद से निकले और निकलने के बाद चलने लगे, चलते चलते एक घर था वहाँ पे बैठ गए। बैठे ही थे कि एक मर्तबा साहिब खाना ने दरवाज़ा खोला और कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहा क्या बताऊँ, प्यास महसूस हो रही है। कहा पानी चाहते हो? कहा हाँ पानी चाहते हैं। थोड़ा सा पानी उस मोमिना ने ला के दिया कि जिसके दरवाजे पे ये बैठे हुए थे, जिसका नाम तोवा था, वहाँ पे पानी पिया। और जब पानी पी लिया उसने दिया, इन्होंने पानी पिया, और जब पानी पी लिया तो उस औरत ने कहा बैठे क्यों हो, जाते क्यों नहीं हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि कूफा के हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ कोई किसी का हामी और मददगार नहीं है, हालात यहाँ के बहुत ख़राब हैं, चले जाओ अपने घर, चले जाओ अपने घर। बस एक मर्तबा मुस्लिम ने बड़ा दर्द आमेज जुमला कहा, कहा कहते हो चले जाओ, कहती हो चले जाओ अपने घर, अरे हम कहाँ जाएं, घर वो जाता है जिसके कोई घर हो, हम कहाँ आए, हमारे तो कोई घर ही नहीं है। कहा आपके कोई नहीं घर है? कहा नहीं, हमारे कोई घर नहीं है। कहा क्यों, कहाँ के रहने वाले हैं? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। मदीने के रहने वाले? बाजादार वो चाहने वाली थी। एक मर्तबा का मदीने के रहने वाले? कहा का वही मदीना के जहाँ पे हमारे आका रसूल रहते थे। कहा वही मदीना? कहा अरे वही मदीना के जहाँ पे हमारे आका अली रहते थे। कहा हाँ वही मदीना, वही मदीना। कहा अच्छा, तो आप हमारे आका हुसैन के नायब बन के आए थे यहाँ पे, आप ही मुस्लिम हैं? कहा मैं ही मुस्लिम हूँ। बस एक मर्तबा तोवा ने, मोमिना थी, उसने घर में बुला लिया। कहा आका मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इल्म नहीं था कि आप ही मुस्लिम हैं, बाहर बैठे हुए थे, आप अंदर आ जाइए। बाजादारों अंदर बुलाया मोमिना ने। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक मर्तबा घोड़े की टापों की आवाज़ें मुस्लिम ने सुनी और फिर घर से बाहर निकलने लगे। मोमिना ने मना किया, कहा नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो, इसलिए ये जो आए हैं ये मुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। बाजादारों रिवायत में मिलता है कि थोड़ी ही देर गुजरी थी, एक मर्तबा मुस्लिम पे इस तरीके से हमला हुआ, इस तरीके से हमला हुआ, लेकिन मुस्लिम इस तरीके से जंग कर रहे थे, इस तरीके से जंग कर रहे थे कि इब्ने ज़ाद की तरफ से जितनी फौज आई थी वो ख़त्म हो गई। एक मर्तबा इब्ने ज़ाद से कहा गया और ज़्यादा सिपाहियों को भेज दो। क्यों? इसलिए कि वो ख़त्म हो गए हैं जिन्हें भेजा गया था। तो उसने कहा अरे एक आदमी के मुकाबले में इतने ज़्यादा लोग ख़त्म हो गए, इतने ज़्यादा लोग सर्फ हो गए, क्या वजह है? तो जवाब दिया सिपाहियों ने, क्या तुमने सोचा है किसी बनिया बकाल के मुकाबले में भेजा है? अरे तुझे मालूम नहीं है ये हाशमी घराने का है, हाशमी घराने का है। लीजिए और फौज आई, और फौज आई, लेकिन मुस्लिम वो थे जो जंग करते जा रहे थे, लोगों को कत्ल करते जा रहे थे। अब एक मर्तबा ये सिपाहियों ने फैसला किया कि इस तरह मुस्लिम हाथ नहीं आएंगे। बाजादारों एक गढ़ा खोदा गया और फिर उसके बाद ये किया गया कि जंग करते करते ऐसा करो कि मुस्लिम उसी में आ जाएं। बाजादारों सारे सिपाही जमा हो गए, मुस्लिम से जंग कर रहे थे। एक मर्तबा जंग करते करते मुस्लिम उसी गढ़े में आ गए। अब जब उस गढ़े में आ गए, अब आप सोचिए कि एक मुस्लिम और हर तरफ से लश्कर, हर तरफ से तलवारें, तो कितनी तलवारें मुस्लिम पे पड़े होंगी, यह आप फैसला कीजिए। बाजादारों रिवायत में मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया और फिर दारुल अमारा पे लाया गया। और जब दारुल अमारा पे लाया गया तो एक मर्तबा जल्लाद की तलवार निकली, मजलिस तमाम हो गई, जल्लाद की तलवार निकली और मुस्लिम के गले पे है, मुस्लिम के गले पे है तलवार, चलने वाली है, मुस्लिम के गले पे तलवार है।
एक मर्तबा मुस्लिम ने इशारा किया अपने आका हुसैन को, उंगलियों से इशारा करके सलाम किया, अस्सलाम वालेका या अबा अब्दुल्ला, ए आका हुसैन इधर ना आइएगा, इसलिए कि कूफियों ने वफा नहीं किया है, कूफियों ने दगा किया है, इधर सर पे तलवार चलने वाली है, गले पे तलवार रखी हुई है, और उधर हुसैन का काफला कर्बला की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक जगह जब काफला रुका तो रिवायत में है कि हुसैन ने उस मंजर को अपने इल्म के जरिए जान लिया कि ये मौका आने वाला है, ये मौका आने वाला है। और जब ये मौका आया तो रिवायत में है कि इधर मुस्लिम के गले पे तलवार चली और उधर हुसैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, बदल गया। मौला अब्बास ने जब ये देखा तो कहा, आका क्या बात है, आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, बदल गया, क्या मुस्लिम खैरियत से हैं? तो हुसैन ने कहा, मुस्लिम को देखना चाहते हो? कहा हाँ आका, मैं मुस्लिम को देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ किस आलम में है। कहा अगर देखना है तो दो उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो दो उंगलियों के दरमियान अब्बास जैसे शुजा और बहादुर ने देखा तो देखा दारुल अमारा पे मुस्लिम का गला है, जल्लाद की तलवार है। एक मर्तबा तड़प गए, कहा आका इजाजत दे दीजिए, मैं कूफे जाऊं, मैं कूफे जाऊं। हुसैन ने कहा, कूफे जाके क्या करोगे? कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुस्लिम के गले पे तलवार है, जल्लाद चलाना जा रहा है। तो कहा जाके क्या करोगे? कहा मैं जाऊंगा और जाने के बाद मुस्लिम के सर को अपने आगोश में लूंगा। बाजादारों मजलिस तमाम हो गई। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास तुमने इतना ही देखा कि मुस्लिम है, मुस्लिम के गले पे तलवार है, अब जरा और देखो। अब जो उंगलियों के दरमियान देखा, अब्बास तड़प गए, कहा आका अब मैं नहीं जाता हूं, अब नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं ये देख रहा हूं कि मुस्लिम के गले पे तलवार है, दारुल अमारा पे है, नीचे कोई बीबी है कि जो अपने दावन को फैलाए हुए आवाज दे रही है, मेरे लाल मुस्लिम आ जा। हुसैन ने कहा, अब्बास अरे वो मेरी दुखिया माँ फातिमा है जो जन्नतुल बकी छोड़ के मुस्लिम के सर को लेने के लिए आ गई है। हाथों को जोड़ के कहूंगा, मुस्लिम अरे आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपका सर तन से जुदा हुआ तो फातिमा ने अपने दावन में ले लिया, लेकिन हाय हुसैन मैदाने करबला में 3 दिन का भूखा।